नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। 7 मार्च को जैसलमेर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। UNIC में मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का कांग्रेस ने किया समर्थन, राहुल गांधी बोले छात्रों को लेकर हमने देर की। यूक्रेन में फंसे 3,726 भारतीयों को 19 उड़ानों से लाया जाएगा वापस। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएगा जर्मनी, जल्द भेजी जाएगी 2,700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। कोविड-19 टीकों की बर्बादी न हो, एक्सपायरी सीसीओं की करे अदला बदली, केंद्र का राज्यों को निर्देश। वहीं छत्रपति शिवाजी पर विवादित बयान को लेकर विधानसभा में हंगामा, राज्यपाल ने अधूरा छोड़ा अपना अभिभाषण। पश्चिमी बंगाल में 12वीं की परीक्षा की तारीखों में हो सकता है बदलाव, छात्रों के लिए बड़ी खबर। वहीं बिहार में होली के दिन शराबियों पर सरकार की विशेष नजर, 24 घंटे ड्रोन से निगरानी, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में 21 अधिकारियों की हुई तैनाती। वहीं वाराणसी में ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, कहा मैं मरने के लिए हूं तैयार, डरूंगी नहीं, बीजेपी की हार है तय, होगा खेला। साथ ही नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए 10% बढ़ाई कृषि ऋण की सीमा। वहीं उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में अब मिलेगी 4G की सुविधा, पर्यटक चार धाम यात्रा में कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल। महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में 27% OBC कोटा की सिफारिश करने वाली महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किया खारिज। वाराणसी में संगीत कला के प्रतिनिधि परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, कबीर मठ में संत कबीर के माता पिता की समाधि के किए दर्शन। साथ ही जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद, मलबे पत्थर से रुकी नदी की जलधारा। वहीं रूस के कब्जे में यूक्रेन का पहला शहर खरसोन, मेयर ने टेके घुटने, लोगों से की सैनिकों से ना भिड़ने की अपील। विंटर पैरालंपिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे रूस और बेलारूस के खिलाड़ी, IPC ने 24 घंटे में बदल दिया फैसला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बताया 21वीं सदी की भारत की जरूरत, उद्योगों को दिया बड़ा संदेश। बंगाल विधानसभा अधिवेशन को लेकर चल रहा विवाद मिटा, राज्यपाल ने 7 मार्च को दोपहर 2 बजे बुलाया विधानसभा सत्र। वहीं बलिया में बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर के काफिले पर हमला, SP प्रत्याशी पर लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप। झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ का बजट किया पेश, TET पास शिक्षकों का मानदेय 50% बढ़ाने का किया ऐलान। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के रुख पर बोला अमेरिका, कहा हम चाहते हैं स्पष्ट रुख। नवाब अली को मेडिकल के लिए ले गए ED के अधिकारी, आज है हिरासत का आखिरी दिन। वहीं ईरान अब अफगानिस्तान में समावेशी सरकार को देगा मान्यता, अन्य देशों पर पड़ेगा असर। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों की मदद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI बोले क्या हम पुतिन को युद्ध विराम के लिए कह सकते हैं। नेपाल में 2 दशक बाद यात्रियों का इंतजार हुआ खत्म, धनगढ़ी के पोखरा में विमान सेवा शुरू। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई के बीच चीन ने ताइवान के ऊपर भेजे संदिग्ध सैन्य गुब्बारे, बीजिंग ने दिया संदेश। लालू की जमानत याचिका पर 4 मार्च को होगी सुनवाई, परिवार के साथ मनाएंगे होली या रिस में ही बीतेगी रात, शुक्रवार को आएगा फैसला।
फसल बीमा कंपनी ने रोका भुगतान, भारत का दावा, किसानों को 12% ब्याज सहित मिलेगा क्लेम। वहीं पुतिन के खास माने जाने वाले रूसी अरबपति बेचेंगे चेल्सी फुटबॉल क्लब, यूक्रेन की करेंगे मदद। 7 दिनों में 10 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन। बिहार विधानसभा परिषद में 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को होगा चुनाव, चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान, 7 अप्रैल को आएंगे नतीजे। राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 स्वेप मशीन और 103 एटीएम कार्ड बरामद। यूएन में रूस के खिलाफ वोट ना देने के कारण भारत से नाराज हुआ अमेरिका, ऐसे 400 डील के मामले में लगा सकता है प्रतिबंध। यूक्रेन को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी का पलटवार, कहा 1971 के युद्ध में छुट्टी पर चले गए थे राहुल राजीव गांधी। प्रधानमंत्री मोदी आज क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा, जो बाइडेन और स्टॉक मॉरिसन जैसे दिग्गज नेता होंगे शामिल। वहीं हमले के लिए ताइवान हो सकता है अगला देश, खुशी के साथ देख रहा चीन डोनाल्ड ट्रंप। ओपेक प्लस देशों के उत्पादन ने बढ़ने के फैसले से 11 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल, भाव $116 प्रति बैरल के पार। सरकार ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों को किया खारिज, कहा सभी के संपर्क में हैं दूतावास के अधिकारी। कतर में इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, योग कार्यक्रम में शामिल होंगे कई देशों के नागरिक। वहीं भारत से अच्छे रिश्तों पर अमेरिकी सांसद ने सीनेट में दिया बयान, पीएम मोदी का जताया आभार। चालान नहीं भरने वालों पर होगी सख्ती, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। वहीं दिल्ली में कंपनियों को फूड प्रोडक्ट के वेज और नॉन वेज को करना होगा खुलासा, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। देश में लगातार कम हो रही कोरोना की रफ्तार, 6561 नए मामले आए सामने, 142 लोगों ने गंवाई जान। वहीं सहकारी बैंकों ने हरियाणा के किसानों को दिया 6,100 करोड़ रुपए का लोन। रूस के संग जंग के बीच बढ़ सकती है यूक्रेन की मुश्किलें, इंटरनेशनल कोर्ट ने शुरू की युद्ध अपराधों की जांच। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने बढ़ाया कदम, कहा व्यापक गठबंधन बनाया जाए, भारत भी ले हिस्सा। 7वें चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के साथ दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं अगले 2 दिन में 5,000 छात्रों को भारत लाया जाएगा वापस, सिंधिया ने किया ऐलान। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, 1 हफ्ते में मारे गए 9,000 रूसी सैनिक, बोले हम हार नहीं मानेंगे। वहीं 10वीं पास और 60 साल से कम उम्र की महिला ही बन सकेगी आशा वर्कर, NHRHM ने किया नियमों में बदलाव। साथ ही प्रतिबंधों से नाराज रूस ने अंतरिक्ष रॉकेट से हटाया US से, ब्रिटेन और जापान का झंडा, तिरंगे को रखा बरकरार। कोयला कारोबारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में किया 175 करोड़ का घोटाला, CBI ने शुरू की जांच। वहीं श्रीलंका में विदेशी मुद्रा संकट के बीच 7 घंटे से अधिक बिजली की कटौती शुरू, ऊर्जा मंत्री उदया गमन पिल्ला ने कहा केवल 4 दिनों का बचा ईंधन। यूएन में भावुक हुए यूक्रेन के राजदूत, भारतीय छात्र के निधन पर जताया दुख, बोले भारत और पीड़ित के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। वहीं एग्रीटेक स्टार्टअप में निवेश, 4 साल के तेज उछाल के साथ 6,600 करोड़ रुपए पहुंचा, रिपोर्ट में खुलासा। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।